कोविड 19 के दौरान पिछले दो महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले दो महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी जो उनके क्लेम्स मिलने थे वो 6,400 करोड़ रुपये के क्लेम किसानों को मिले हैं। और यही नहीं, पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसान की ज़िंदगी का, एक अतिरिक्त आय का साधन बनने के लिए, लेकिन दूध की खपत कम हुई और कुल 360 लाख लीटर दूध जो प्रतिदिन पहले वो खरीदते थे उसकी बजाय 560 लाख लीटर प्रतिदिन उन्होंने दूध खरीदा है, जिसके चलते कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये की एडिशनल लिक्विडिटी की जो मदद है वो 2 करोड़ किसानों को इस योजना के माध्यम से की गई। और कुल मिलाकर 2% जो है वो ब्याज अनुदान उनको दिया गया, और जिन्होंने जल्द पेमेंट की, प्रॉम्प्ट पेमेंट की है या इंटरेस्ट सर्विस समय पर किया है उनको अतिरिक्त ब्याज अनुदान 2% और दिया गया है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ रुपये का लाभ इसमें हुआ, उनको भुगतान हुआ है, और कुल मिलाकर 111 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट इसमें हुई जो लगभग 4100 करोड़ रुपये की है। श्रिम्प हैचरीज को रजिस्ट्रेशन दी गई और जो रेयरिंग हैचरीज जिनकी एक्सपायरी 31 मार्च को हो रही थी उसको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। और बाकी ऑपरेशंस भी मरीन कैप्चरिंग के लिए जो थे उनको और एक्वाकल्चर के लिए जो रिलैक्सेशन देनी थी वो भी दी गई, और जो 4 घोषणाएं हमने इनको लेकर पहले की थी उनको भी लागू कर दिया गया है। मत्स्य पालन को लेकर आई गो टू टुडेज अनाउंसमेंट्स। हमारा किसान बाढ़ हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, अपना पसीना बहाकर 137 करोड़ भारतीयों का पेट तो भरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने में मदद करता है, लेकिन भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार और मूल्य संवर्धन के अवसर ना होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी, और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और भारत न केवल अपनी मांग को पूरी कर पाएगा, एक्सपोर्ट करने में भी इसकी आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी, और ये जो है इसका जो लाभ होगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो जो किसान उत्पादक संघ हैं, या कृषि उद्यमी हो, स्टार्टअप्स हो, एग्रीगेटर्स हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के क्षेत्र में लाते हैं, ये सब इनके माध्यम से आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में उनके फार्म गेट पर खड़ा किया जाएगा ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिले। लोकल के लिए वोकल और लोकल से ग्लोबल, ये अपने आत्मनिर्भर भारत के पूरे उस दिन के संबोधन में देश के सामने बात रखी, और उसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम है कि किस तरह से असंगठित क्षेत्र के हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके, और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2,00,000 ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। जब 2,00,000 को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जो इससे जुड़े उनको भी रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी बात ये होगी। क्लस्टर बेस पे हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, ऐसे बिहार का मखाना हो, तो इस सब बातों को लेकर, यानी कि सभी राज्यों को तो आज नहीं कह सकते लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ जो क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी,
आय के साधन भी बढ़ेंगे, उस दिशा में बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया। तो जब हमने 2.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2,00,000 करोड़ रुपया देने की बात कही थी, तो उसमें मछुआरे और पशुपालकों की बात भी कही थी। उसी दिशा में आज एक और बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपये का ये योजना लेकर आए हैं, और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा, और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। और इससे हमारी जो फिश प्रोडक्शन है, मछली का उत्पादन है, वो भी अतिरिक्त जो होगा, अतिरिक्त मछली उत्पादन जो होगा वो 70,00,000 टन अगले 5 वर्षों में होगा। 55,00,000 लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा, और 1,00,000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होगा, जो लगभग दुगना हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में कितना लाभ रोजगार और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। देखा जाए तो दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन वाले देशों में से एक हैं हम, और गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुरपका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, मुंह पका खुरपका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा, ये फुट एंड माउथ डिजीज से उनको मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मांग बढ़ेगी और स्वीकारता बढ़ेगी, और इससे हमारे दूध उत्पादन में उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और पशुओं को भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। एंड इफ वी क्रिएट हर्बल कल्टीवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा, और 10,00,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी, इसकी कल्टीवेशन हो। 10,00,000 हेक्टेयर लगभग 25,00,000 एकड़ के बराबर है, और इससे 5,000 करोड़ रुपये की आय किसानों की होगी। और यही नहीं, जन औषधि का बहुत महत्व भी है, और कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स ने इस COVID-19 के समय में भी दिखाया है कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल ये मेडिसिनल प्लांट्स आज भी बहुत काम सबके आए हैं। तो इसमें और जितनी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा उसका लाभ होगा। रीजनल मंडीज भी इसके लिए उसका नेटवर्क तैयार किया जाएगा, और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये पहले अगर देखा जाए तो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटोज के लिए दी जाती थी कि आपके लिए टमाटर, प्याज, आलू, इनके लिए प्रावधान था, लेकिन अब इसको बाकी सबके लिए भी संकट की घड़ी में, जब COVID-19 के समय, इसको 6 महीने के लिए एक पायलट के रूप में देखा जाएगा, और इसकी सफलता को देखकर इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, इससे बल ये मिलेगा कि जो खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते थे, खरीदे नहीं जाते थे, या किसान को दबाव में आकर कम मूल्य पर बेचने पड़ते थे, तो उसकी कमाई भी उससे कम होती थी और नुकसान भी होता था। अब इससे किसान को लाभ मिलेगा, और ना केवल इसको टमाटर, प्याज और आलू तक सीमित रखा गया है, बाकियों को भी इसको बाकी
फल और सब्जियों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। इसमें 50% सब्सिडी जो है वो माल भाड़े पर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर दी जाएगी, और 50% सब्सिडी जो है वो स्टोरेज अगर भंडारण करना होगा तो उसके लिए, इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज यानी कि कोल्ड स्टोरेज में भी रखना होगा तो उसके लिए 50% सब्सिडी इसमें दी जाएगी, ताकि वो अच्छे दाम पर समयदा बढ़ाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए, ताकि किसान को और ज़्यादा दाम अच्छे मिल सकें, इसके लिए उस कानून में बदलाव लाया जा रहा है जो 1955 से है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बनाया गया था। कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है, उसी तरह से इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं उसको कम दाम पर बेचने के लिए एक तरह से रुकना पड़ता था, कई और इसके नुकसान भी होते थे। अब उसके लिए भी इसमें अवसर निकल कर आएंगे, जिससे आपके तिलहन की बात हो, दलहन की बात हो, प्याज हो, आलू हो ऐसे, या सीरियल्स की बात हम की जाए, इन सब में इनको अवनियमित किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। और अगर 100% वृद्धि खुदरा दाम में होती है जो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं, या 50% की वृद्धि होती है जो गैर नाशवान पदार्थ हैं, नॉन पेरिशेबल हैं, तो उस समय में कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उस समय में, और जो लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं उनके लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट ना हो जिससे कि उनके कामकाज में भी कोई प्रभाव ना पड़े और वैल्यू चेन में भी कोई उसका नुकसान ना हो, और निर्यात करने वालों को भी कहीं पर दिक्कत ना आए। वी मूव टू दी सेकंड। लेकिन राष्ट्रीय आपदा और सूखा ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं तो उस समय में सरकार समय समय पर